हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रैवलिंग बाय बस के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं, वो आपको पास्ट टेंस के और प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे। पास्ट टेंस को इसके अंदर हम डीपली देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इट वॉज अ संडे मॉर्निंग। इट मीन्स वह, वॉज मीन्स थी, मीन्स एक संडे मॉर्निंग यानी कि रविवार की सुबह। वह रविवार की सुबह थी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर रविवार की सुबह थी ऐसे भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट को कभी कभी हम डमी वर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। आई डिसाइडेड टू विजिट माई फ्रेंड। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। अब ये हमारा प्रेजेंट पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि आई के साथ में यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया टू विजिट माई फ्रेंड। विजिट का मतलब मिलना, दौरा करना या देखने जाना होता है। तो मैंने अपने दोस्त से मिलने का फैसला किया या निश्चय किया। अजय हु लिव्स इन शहादरा। अजय से हु लिव्स, जो रहता है। रहता है क्यों बोला? क्योंकि लिव्स है यहाँ पे, ठीक है। एस या ई एस का जहाँ पर यूज होता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हु लिव्स, जो रहता है, इन शहादरा, जो शहादरा में रहता है। द प्लेस इज क्वाइट फार ऑफ फ्रॉम माई रेजिडेंस इन अशोक विहार। जब प्लेस, वो स्थान जो है, वो काफ़ी दूर है मेरे निवास स्थान से, जो अशोक विहार है, ठीक है। एंड द ऑटो रिक्शा वुड हैव चार्ज अ ह्यूज अमाउंट। और जो ऑटो रिक्शे वाले होते हैं, वुड हैव चार्ज, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। वुड हैव चार्ज का मतलब होता है कि कोई भी काम होता, हुआ नहीं है, वो उसने पास्ट टेंस के अंदर सोचा कि ऐसा होता, तो वो ऐसा सोच रहा है कि जो ऑटो रिक्शा वाले थे, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसे चार्ज करते उससे वहाँ तक जाने के लिए। सो इसीलिए आई डिसाइडेड टू बोर्ड अ, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया टू बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है सवार होना किसी चीज़ पर या फिर चढ़ना। तो मैंने सवार होने का निश्चय किया और डीटीसी बस, एक डीटीसी बस से सवार होने का या फिर उसमें चढ़ने का निश्चय किया। एज, जैसे ही, आई रीच द बस स्टॉप। आई रीच, जैसे ही मैं पहुंचा, ठीक है, जैसे ही मैं पहुंचा, ये भी आप देख रहे हैं सिंपली कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे ही मैं बस स्टॉप पर पहुंचा, आई सॉ, मैंने देखा। सिंपली एक चीज़ याद रखनी है, जब हम पास्ट टेंस को देखते हैं तो उसके साथ में सेकेंड फॉर्म आ रही होती है, और नॉट का अगर यूज़ नहीं हुआ है तो वो सिंपली हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। आई सॉ, मैंने देखा अ ह्यूज क्राउड, मैंने एक बड़ी भीड़ देखी ऑन द रोड, मैंने रोड पर एक बड़ी भीड़ देखी। दे ऑल मेड अ डैश, दे ऑल, वे सभी, मेड यानी कि बना रहे थे या कर रहे थे, अ डैश यानी कि हड़कंप मचा रहे थे या फिर धावा बोल रहे थे। When they saw a bus coming, when यानी कि जब, they saw, उन्होंने देखा, a bus coming, उन्होंने एक बस को आते हुए देखा, तो वो हड़कंप मचा रहे थे या धावा दे रहे थे, ठीक है। डैश का मतलब होता है धावा मचाना। द बसेस वर पैक्ड, जो बस थी वो पैक्ड थी यानी कि वो भरी हुई थी, टू कैपेसिटी, जो उनकी क्षमता थी वो उनसे ज़्यादा भरी हुई थी। सम पैसेंजर्स वर इवन हैंगिंग ऑन द गेट। सम पैसेंजर्स यानी कि कुछ यात्री, यहाँ तक कि कुछ यात्री जो है वो लटके हुए थे गेट पर, जो उसका दरवाज़ा था बस का, कुछ यात्री यहाँ तक कि बस के दरवाजे पर लटके हुए थे। द लक्की वंस मैनेज टू पुट देयर टो ऑन द फुट होल्ड। लक्की वंस यानी कि कुछ भाग्यशाली लोग या कुछ भाग्यवान लोग जो थे, वंस क्यों बोला, क्योंकि वो लोग के लिए यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। जो कुछ भाग्यवान लोग थे, उन्होंने मैनेज यानी कि उन्होंने कामयाबी हासिल की टू पुट देयर टो, उनके पैरों को ऑन द फुट होल्ड। फुट होल्ड यानी कि अपना पैर जमाना, ठीक है। उन्होंने अपने पैर को वहाँ पर जमाने के लिए कुछ लोगों ने कामयाबी हासिल की बस के अंदर। एंड और लेफ्ट एवरीथिंग एल्स टू गॉड। लेफ्ट और जो बचे हुए थे, एवरीथिंग यानी कि और जो कुछ भी लोग बचे हुए थे, वो सब भगवान भरोसे थे या वो भगवान के ऊपर थे। एल्स टू गॉड यानी कि वो भगवान के ऊपर छोड़े हुए थे कि वो गिर भी सकते थे और कुछ अंदर भी आ सकते थे। जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, आप देखते हैं ना, कुछ लोग तो अंदर हो जाते हैं बट कुछ लोग फिर भी लटके हुए से रहते हैं। देर इज नो नीड ऑफ पुशिंग। देर इज, वहाँ नहीं थी, नो नीड, वहाँ पर आवश्यकता नहीं थी या फिर ज़रूरत, सॉरी, नहीं है, वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है ऑफ पुशिंग, वहाँ पर धक्का मुक्की की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है। नो का मतलब हमेशा नहीं होता है, कभी कभी कोई नहीं भी होता है, ठीक है। आवर सेल्फ इनसाइड, हमें अंदर धक्का देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ डन विद
फुल फोर्स, इट इज़ डन, ये हुआ है या ये किया गया है विद फुल फोर्स, ये फुल फोर्स यानी कि पूरी ताकत से किया गया है, बाय दोज उनके द्वारा, ठीक है, बाय का मतलब होता है द्वारा या फिर से, उनसे या उनके द्वारा, दोज मतलब उनके, हु बोर्ड द बस आफ्टर अस, हु बोर्ड जो बस पर चढ़े या बस पर सवार हुए, द बस पर आफ्टर अस जो हमारे बाद बस पर सवार हुए उनके उनके द्वारा जो है पूरी ताकत से हमें धक्का दिया गया है। द प्राइवेट बसेस हैड ऑब्जर्व्ड अ स्ट्राइक, द प्राइवेट बसेस जो प्राइवेट बसेस थी जो निजी बस थी हैड ऑब्जर्व उनको देखा गया, हैड ऑब्जर्व का मतलब होता है देखा गया था, उन्हें देखा गया था, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, इनकी उनको देखा गया था स्ट्राइक, उनको एक हड़ताल के रूप में देखा गया था, जितनी भी प्राइवेट बसेस थी उनको उनकी हड़ताल देखी गई थी या उनको देखा गया था, ऐसे बोल सकते हैं आप। द क्राउड वॉज स्वेलिंग बाय द मिनट, द क्राउड वो जो भीड़ थी वॉज स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का बढ़ जाना, ठीक है, वैसे हम बोलते हैं मेरे यहाँ स्वेल हो गया है, मेरा फूल गया है, मतलब वहाँ वाला हिस्सा बढ़ गया है, तो स्वेलिंग का मतलब होता है बढ़ना, यही नहीं कि सिर्फ आपकी बॉडी में ही कहीं पे कुछ बढ़ रहा है, तो जो क्राउड था जो भीड़ थी हर मिनट वो बढ़ रही थी। एज जैसे ही आई बोर्डेड द बस, जैसे ही मैं बस पर चढ़ा, द फेलो कॉम्यूटर्स पुश्ड मी इन, द फेलो यानी कि जो साथी कॉम्यूटर्स जो थे मेरे साथ के जो मेरे यात्री थे, पुश्ड मी इन, पुश्ड यानी कि उन्होंने मुझे धक्का दिया, मी मतलब मुझे, इन मीन्स अंदर, उन्होंने मुझे अंदर धक्का दिया बस के अंदर, जैसे ही मैं बस में चढ़ रहा था तो जो मेरे साथी यात्री थे उन्होंने मुझे बस में अंदर धक्का दिया। देयर वर ओनली 50 सीट्स, वहाँ पर केवल 50 सीट्स थी बैठने के लिए, इन द बस, बस के अंदर केवल 50 सीट थी, बट लेकिन मोर देन जब आता है मोर देन एक साथ तो उसका मतलब होता है से ज़्यादा, मोर देन 100% वर ट्रेवलिंग, यानी कि 100 से ज़्यादा लोग जो थे पर्सन्स यानी कि लोग जो थे वर ट्रेवलिंग, वो यात्रा कर रहे थे, जो सीट्स थी वो 50 लोगों की, लेकिन 100 से ज़्यादा जो लोग थे वो उस बस के अंदर यात्रा कर रहे थे। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स स्टैंडिंग वॉज इन नो वे लेस देन those occupied the seats, the number of passengers, जो यात्रियों की संख्या थी, standing was जो खड़े हुए थे, is बस में जो खड़े हुए थे उनकी less than those occupied the seats, less than यानी कि उनसे कम थी, those जिन्होंने occupy यानी कि घेर रखा था या कब्जा कर रखा था the seats, या फिर जिन्होंने सीट को घेरा हुआ था यानी कि सीट पर वो बैठे हुए थे, तो जो खड़े हुए यात्री थे उनकी संख्या जो बैठे हुए यात्री थे उनसे ज़्यादा थी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं सिंपली, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो यात्रियों की संख्या थी, जो खड़े हुए यात्री थी उनकी संख्या बैठे हुए यात्रियों से ज़्यादा थी। देयर वर 8 सीट्स रिजर्व फॉर द लेडीज़, वहाँ पर 8 सीट्स थी जो औरतों के लिए या फिर महिलाओं के लिए आरक्षित थी, यानी कि उन्हीं के लिए थी, बट लेकिन दे वर ऑक्यूपाइड बाय यंग मैन, लेकिन उनको ऑक्यूपाइड यानी कि उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था या उनको घेरा हुआ था बाय यंग मैन, युवा आदमियों के द्वारा उनको घेरा हुआ था। द ओल्ड वुमेन्स वर स्टैंडिंग एंड रिक्वेस्टिंग द बॉयज़ टू वैकेट द सीट, द ओल्ड वुमेन जो बूढ़ी औरतें थी वर स्टैंडिंग वो खड़ी हुई थी एंड रिक्वेस्टिंग और वो निवेदन कर रही थी द बॉयज़ लड़कों से टू वैकेट द सीट यानी कि सीट को खाली करने का वो लड़कों से निवेदन कर रही थी। इट वॉज नॉट ईजी टू गेट टू द एग्जिट डोर, इट वॉज नॉट ईजी यह आसान नहीं था टू गेट यानी कि जाना टू द एग्जिट डोर, एग्जिट डोर यानी कि बाहर जाने वाले दरवाजे तक जाना आसान नहीं था। वन हैड यानी कि वन का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, वन हैड टू डू सम टाइट रोप वॉकिंग एज इफ इट वर अ सर्कस शो, वन हैड टू डू सम टाइट यानी कि किसी एक व्यक्ति को कुछ तंग तरीके से जाना था, जैसे कि वो रोप वॉकिंग, जैसे कि वो रस्सी पर चल रहा हो, मतलब बहुत ही धीरे, बहुत ही पतली पतली जगह से, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है आपको निकलना होता है ना, सेम उसी वे में कि जैसे कि वो किसी रस्सी से निकल रहा हो, एज जैसे कि इफ इट वर अ सर्कस शो, जैसे कि ये कोई एक
सर्कस का शो हो, बिल्कुल उसी तरीके से। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। कैसे लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पास्ट टेंस का है, इसी तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं इन्हीं को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए आपको। और ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि टॉपिक आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है हमारा फैलो, यानी कि फैलो मीन्स होता है साथी, ठीक है। मेरी सहपाठी हैं, मेरे साथी हैं, आप बोल सकते हैं ये मेरे फैलो हैं। नेक्स्ट है हमारा डैश। डैश का मतलब होता है धावा बोलना या फिर हड़कंप मचाना, ठीक है। थर्ड वर्ड है स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन्स होता है हड़ताल करना। आज के 3 डिक्टेशन के वर्ड हैं सिंपली। फर्स्ट वर्ड है हमारा रेजिडेंस। रेजिडेंस डिक्टेशन का है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। सेकंड है पैसेंजर एंड थर्ड है ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मीनिंग क्या होता है वो भी आप हिंदी में ज़रूर लिखेगा, क्योंकि इसका कई सारे मीनिंग है, बट हम अपने अकॉर्डिंग, हमारी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो भी हमारी स्टोरी होती है या जो भी हमारा टॉपिक होता है उसके अकॉर्डिंग हम उन वर्ड को यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।